नमस्कार, मैं भाषा और इस समय हम न्यूज़ क्लिक की टीम के साथ खड़े हैं हापुड़ में। हापुड़ की एक ऐसी बस्ती में जहां पर जिसका सीधा ताल्लुक सफाई कर्मचारी समाज से है, यहां पर सिकंदरा गेट भंडा पट्टी में किस तरह से यहां का समाज सोच रहा है, इसके ठीक बगल में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है, यहाँ पर मैला ढोने वाले लोग हैं, शुष्क शौचालय है, यह समाज पिछले 5 सालों में विकास को किस तरह से देखता है, मोदी और योगी सरकार के हिंदू मुसलमान के सांप्रदायिक कार्ड पर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, इसे जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं बस्तियों से जो पूरी की पूरी अवधारणा का खेल खेला जाता है, जिस तरह से जीत और हार निर्धारित होती है, वह पता होना लोकतंत्र की घंटी के लिए बेहद ज़रूरी है। मेरा नाम सारिका है, मैं गोलमारे की ठाकुर से हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ। बस मेन मुद्दे यही हैं कि एक दो रोज़गार हो जाए और एक महंगाई कम होए। सरकार ऐसी बैठनी चाहिए ताकि महंगाई कम हो और रोज़गार मिले युवाओं को। जो पढ़े लिखे हैं वो आज भी अंदर घर में ही बैठे हैं, जो लिखाई पढ़ाई होनी थी वो भी ठप हो चुकी है। कुछ तो हो, सरकार ऐसी बैठे, कुछ तो हो, कुछ तो मिले आने वाली पीढ़ी को जी। बाकी जब से लॉकडाउन लगा है, जब से बेरोज़गार बैठे हुए हैं घरों में, आज तक भी 2 साल 2-2.5 साल हो गए, किसी को नौकरी नहीं मिली है, किसी को कुछ नहीं मिला, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा। वैसे बोलते हैं भाई हमने इतनी नौकरियाँ दी हैं, यहाँ तो कोई नौकरी नहीं है। योगी जी ने 4-5 साल हो गए हैं, एक भी जॉब नहीं निकाली है टीचिंग में, पेपर लीक हो जाते हैं। अब 4-5 साल हो गए, आपने सुना है कोई नौकरी निकाली है, सुना हो किसी ने? कुछ भी नहीं निकाली। वो तो दावा कर रहे हैं कि बहुत लोगों को सब पोस्टर भी लगे हुए हैं कि जब हम तो जो जिसको मिलेगी वही बोलेगा, जिसको नहीं मिली वो तो यही बोलेगा। अभी क्या लगता है क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? आप बता रही हैं कि बेरोजगारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेम यही है, बेरोजगारी बहुत है, क्योंकि मेरे घर में खुद जॉब नहीं है, इसीलिए हम परेशान है। किसी की भी जॉब नहीं है, जरूरी नहीं है कि कोई सी भी पार्टी आए, कम से कम लोगों के हित में तो सोचे, जरूरी नहीं है बीजेपी समाजवादी कोई सी भी आए, ये नहीं है। अभी तो हम बात करें क्योंकि 5 साल से बीजेपी है, योगी जी हैं, और योगी जी का सबसे बड़ा है कि इतने करोड़ों लोगों को उन्होंने नौकरी दी, सब जगह पोस्टर लगे हुए हैं। वो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, हाँ ये हो सकता है लखनऊ साइड में झांके हैं योगी जी, शायद वहाँ पे दी हो इसलिए उनके हित में बोलते हैं, हम तो नहीं बोलेंगे उनके हित में, क्योंकि यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। इस समय हमारे साथ सीमा जी हैं, जो इस इलाके में तकरीबन 20 साल से मैला ढोने का काम कर रही हैं, गटर साफ करने का काम कर रही हैं। हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि इन चुनावों में वह क्या देखती हैं, क्या मुद्दा है आपके लिए, क्या मुद्दा है, किस चीज़ का आपको कमी है, क्या चीज़ होनी चाहिए, सरकार ने क्या नहीं किया? जी हमें तो रोज़गार मिलना चाहिए, और हमें रोज़गार नहीं है कुछ भी, हम ये मैला कमाते हैं, अपने साफ सफाई करते हैं यहाँ के इलाकों की, बताओ हमें तो मिलना चाहिए ना कुछ मुआवजा, हमें कुछ नहीं मिलता। अभी जैसे 5 साल से योगी सरकार है, योगी सरकार से आपको क्या क्या मिला है, इस बार आपको क्या लगता है योगी सरकार रहेगी या दूसरी आएगी? जी पता ना, हमें तो योगी साहब जी लग रहे हैं, योगी साहब आएंगे, क्यों नाच फ्री दे रहे हैं सबको, हाँ जी। सब चीज हर क्या फ्री दे रहे हैं। नहीं लेकिन आपने कहा कि नौकरी नहीं है, नौकरी तो नौकरी तो आपको नहीं मिली? नहीं मिली हमें, नौकरी नहीं मिली, हमारे 48 साल उम्र हो गया, मैं नौकरी भी नहीं मिली अभी तक भी। हम ये अपने ये मैला ढोते हैं, ये काम करते हैं सफाई का 20 साल से, ये इसके लिए आप किसी और को वोट नहीं देंगी? जी देखेंगे, जिसको चढ़ा के सही देंगे, जो मतलब होगा। मेरा नाम पंकज वाल्मीकि है और मैं सुकर फार्म का व्यवसाय करता हूँ, और मैं बता देना चाहता हूँ कि जितनी योजनाएं इस सरकार ने, योगी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने लागू की है, इससे पहले आज तक किसी ने नहीं की। और जी वाल्मीकि समाज की योगी सरकार गर्दन काट रही है, नौकरी वोकरी नहीं खुल रही है बिल्कुल भी। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम दीपक सूद है जी। ये बताएं कि अभी क्या मुद्दा है और आपके हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए, क्या आप वोट देते हैं? हाँ जी मैं वोट देता हूँ, मैं 22 साल की उम्र है मेरी, और मेरा वोट सिर्फ मोदी वोट है बस जी। क्या वजह है कि आप मोदी भक्त हैं? मैं मोदी भक्त है, देखिए क्राइम जीरो हो चुका है, ठीक है, दंगा फसाद सब कुछ जीरो हो चुका है। दूसरी बात महिला सुरक्षा, तीसरी बात सबों को घर घर अनाज पहुंच रहा है, और क्या दो दो बार पहुंच रहा है, एक बार भी नहीं, दो दो बार, कोई भूखा नहीं मर रहा। हम गोल मार्केट में रहते हैं और हापुड़ से हैं,
और हाँ, इस बार हम बहुत परेशान हैं। अब की बार की सरकार बहुत बेकार आई है। हम चाहते हैं अब की बार अखिलेश यादव जी आएँ और हमारे समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं अखिलेश यादव जी। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब भी वही निकालती है। मोदी सरकार ने इतनी महंगाई कर रखी है, गैस इतना महंगा कर दिया है और गरीब लोग तो बिल्कुल गैस जला ही नहीं सकते। ये वाली जो हमारी जो बस्तियां हैं, इस बस्तियों में सिर्फ नेता एक ही बार आते हैं, वो भी इलेक्शन के समय। उसके बाद में कोई यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, नौकरी की बात अभी आपने कही, नौकरी तो दूर तक नहीं है। प्राइवेटकरण हो रहा है बहुत तकड़ा वाला जिसे कहते हैं। और दूसरी बात रोज नहीं, बिल्कुल एक व्यक्ति विशेष के लिए अगर कोई कार्य हो रहा है तो वो कोई महत्व नहीं रखता है। सर्व समाज की अगर कोई बात करें तो उसमें सरकार द्वारा कोई सामाजिक व्यवस्था कोई किसी प्रकार की नहीं है। यहाँ तक कि हमारे हाथरस वाले कांड को अगर आप देखे जाएं तो इतना शर्मनाक कांड हुआ है कि एक हिंदू के नाम पर एक कलंक वाला काम हुआ है। क्योंकि आत्मशक्ति के साथ साथ जब किसी का निधन होता है तो उसके परिवार जनों को कम से कम उसकी सूरत दिखाई जाती है, वो कार्य वहाँ भी नहीं हुआ क्योंकि प्रशासन शासन के द्वारा ही उसमें मेरे हिसाब से टैरों को और लकड़ी भी नसीब नहीं हो पाई। ऐसी कानून व्यवस्था को बिल्कुल मैं कह रहा हूँ नकारता हूँ बिल्कुल। अब ये बताएं कि जो अभी सारे दावे हैं, अभी आपके साथी यहाँ जो रहते हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई बहुत नौकरियाँ भी मिली हैं, काफ़ी सड़क भी बन गई, बिजली भी आ गई और बहुत नौकरियाँ समाज को मिली हैं, काफ़ी नौजवानों को भी नौकरियाँ मिली हैं। एक भी नौकरी ना मैडम, कहीं भी आप किसी से पूछ लो, समाज के पढ़े लिखे जो तबके हैं, जो बेरोजगार हैं, जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं उनको तो छोड़ो, जो समाज के जो सबसे बढ़िया पढ़े लिखे जो सबसे काबिल है वे भी बेरोजगार हैं जी। क्योंकि नौकरी की आप बात करते हैं, प्रदेश में क्या मेरे पास यहाँ कितने नौजवान लड़के खड़े हैं, अगर आप इनसे पूछा जाए तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि मुझे नौकरी नहीं, मेरे घर में भी किसी को नौकरी नहीं है। समाज के अंदर मुद्दा महंगाई है, जो 395 रुपये का सिलेंडर आज 1000 का आ रहा है, जो मनरेगा में 200 रुपये कमाता है सरकारी खाते में, 5 दिन की मजदूरी तो उसकी सिलेंडर लेने में जाएगी और 10 दिन की उसे सारे मिले तो खाएगा क्या? पेट भरे पे है मंदिर, खाली पेट भजन नहीं होता। और जहाँ तक ये सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षा क्या जनरल बेटियों की है, एससी या बैकवर्ड की नहीं? हाथरस में क्या हुआ, वो हिंदू की बेटी नहीं थी, वो वाल्मीकि की बेटी थी। क्यों, काहे का हिंदूवाद, काहे का हिंदूवाद है? अभी यहाँ बुलंद शहर में अभी घटना आ रही है, सोशल मीडिया पे आ रहा है, वो लॉज बिल्कुल वैसे ही हुआ है, बिल्कुल रात को 12 बजे उसे जला दिया गया। क्या हिंदू की बेटी नहीं, क्या योगी जी गए वहाँ? वो चारों लड़के ब्राह्मण के हैं और वो जो है हाथरस में वो चारों लड़के ठाकुर के, तो ठाकुरवाद चलेगा यहाँ? ठाकुर है हिंदू, ब्राह्मण है हिंदू, हम कहाँ हिंदू? मेरा नाम विमल कुमार है और जो है मैं हापुड़ के निवासी हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि बेरोजगार है हमारे लोग, और ये अभी कोरोना काल में जो है बड़ी मेहनत से इन लोगों ने काम किया, युद्ध स्तर पर काम किया, लेकिन इनकी सुख सुविधाएं के बारे में सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे इन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। तो आपको लगता है कि उपेक्षा हुई है समाज की? जी बिल्कुल उपेक्षा हुई है, बल्कि एक बात और भी थी कि 50 लाख रुपये उसे दिए जाने थे जो कोरोना काल में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब सैनिटाइज कर रहे हैं और उनमें मृत्यु को प्राप्त हुए हैं प्रदेश के अंदर, उन लोगों को जो है 50 लाख तो क्या कुछ भी नहीं मिला, वो ये कहते गए कि वे कोरोना से ग्रसित होने चाहिए थे तब उन्हें वो जो है धनराशि मिलनी थी, तो ऐसा उन्हें नौकरी नहीं मिली, उन्हें कोई धनराशि नहीं मिली, तो ये उपेक्षा ही तो है। समाज में क्या मुद्दा है इस समय, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है या हिंदू मुसलमान एक मुद्दा है? देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो महंगाई बेरोजगारी, यही बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या समाज योगी सरकार से खुश है या नाराज है, या उसके कुछ सवाल है? देखिए मैं एक बात जरूर यहाँ कहना चाहूँगा आपसे, जो ये हमारे समाज डर है, नहीं डर किसी का नहीं है, वाल्मीकि समाज में डरता नहीं है किसी से, लेकिन हम सभी सरकारों का अभिवादन करते हैं, लेकिन जहाँ तक समाज में थोड़ा से बदलाव की जो आया है
वो जो हाथरस कांड हुआ था मनीषा वाल्मीकि का, उससे थोड़ी सी सरकार के प्रति नाराजगी है। मैं राजेश चौहान मेरा नाम है और मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। और ये है कि जी देखिए, ये जो मोदी सरकार है, इन्होंने वैसे काफ़ी कुछ किया भी है, लेकिन विकास के नाम पे इन्होंने क्या किया है, जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी मूर्तियां हैं या पुरानी बिल्डिंगों को तोड़ के दोबारा से बना दिया, कह दिया कि हमने विकास किया है और कुछ नहीं किया, विकास कुछ नहीं किया है। और महंगाई इतनी महंगी कर दी है, हर चीज़ गैस खाने पीने की चीज़ें सब महंगी कर दी है। गरीबों के लिए क्या किया है, कुछ नहीं किया। जनता परिवर्तन चाहती है और ये हिंदू मुस्लिम वाद विवाद इन्हीं टाइमों पर शुरू होता है। जब ये चुनाव का टाइम आता है तो हिंदू मुस्लिम वाद विवाद शुरू कर देते हैं। तो क्या लोग समझ रहे हैं कि इसी समय होता है? जी हाँ, समझ रहे हैं। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, अब वो जानती है कि मोदी सरकार ने क्या क्या है और आने वाली सरकार क्या करेगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव का जो हाल है वह जानने के लिए हम पहुंचे हापुड़ में, उन बस्तियों में जहां पर अक्सर नेता भी नहीं आते, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि जनता की नब्ज कहां पर है। हमने देखा कि किस तरह से वाल्मीकि बस्ती, वाल्मीकि समाज कहां खड़ा है, उसके मुद्दे क्या हैं, चाहे वो भाजपा समर्थन में हो या भाजपा के विरोध में, गठबंधन के पक्ष में या गठबंधन के विरोध में। हर एक का मानना है कि बेरोजगारी और महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसे नज़रअंदाज करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। वोट निश्चित तौर पर बटे हुए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर योगी सरकार से, मोदी सरकार से लोगों की नाराज़गी है, क्योंकि जैसा हमने देखा इस इलाके में, यहाँ पर स्वच्छ भारत नहीं, अस्वच्छ भारत बसता है।